हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल की सहायता से कैसे एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो एडिटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी खराब वीडियो को अच्छा वीडियो बनाने में। अगर आप भी एक नए क्रिएटर हैं या पुराने क्रिएटर, तो आपको भी ये स्किल आनी चाहिए कि कैसे खराब वीडियो को अच्छा वीडियो बनाया जाए। अगर आप एक अच्छा वीडियो बनाना सीख जाते हैं, तो आप चाहे इंस्टाग्राम पर अपलोड करें, फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर अपलोड करें, आपका वीडियो 100% वायरल होगा। क्योंकि अगर आपका वीडियो अच्छी क्वालिटी का है, तो लोग आपके वीडियो को देखना स्टार्ट करेंगे और शेयर करना भी स्टार्ट कर देंगे, जिस कारण से आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। लेकिन जो भी नए क्रिएटर हैं या पुराने क्रिएटर, उनको ये सही से नहीं मालूम होता है कि कैसे बेसिक टू एडवांस लेवल की एडिटिंग की जाती है अपने मोबाइल से, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं जिससे आपका एक अच्छा वीडियो बन जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल की हर एक चीज को समझाएंगे, जो कि एक एडिटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है और जिससे आप एक खराब वीडियो को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और ये सभी चीजें आज हम आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो को भी देखा है YouTube के ऊपर, बड़े बड़े क्रिएटर्स के और या छोटे क्रिएटर्स के, और मैंने बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस पर भी वीडियो एडिटिंग करके देखा है। तो आज हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि कैसे आप काइन मास्टर के अंदर एडवांस लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं, काइन मास्टर के अंदर आप कैसे किसी भी वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं, कैसे उस वीडियो के अनवांटेड पार्ट को हटा सकते हैं, कैसे अपने बैकग्राउंड को चेंज करके एक वहां पे नया बैकग्राउंड लगा सकते हैं, किस टाइप से आप अपने बैकग्राउंड में एक साउंड या म्यूजिक को यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से किसी भी वीडियो की स्पीड को फास्ट या स्लो कर सकते हैं, किस टाइप से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डर को दिखा सकते हैं, कैसे कोई फोटो वीडियो दिखा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आज के इस वीडियो में हम पॉइंट पे बात करने वाले हैं जो कि हर एक एडिटर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजों को कवर करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं, तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पास में मेरे मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने ऑन कर दिया है। अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे आप काइन मास्टर के अंदर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, काइन मास्टर को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैंने पहले इसको इंस्टॉल करके रखा, इसलिए मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया है, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल की सिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको अलग अलग वीडियो देखने ना पड़े। तो मैंने इस एप्लीकेशन को कर दिया अनइंस्टॉल। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाना होगा। तो आपके मोबाइल में जहां पे प्ले स्टोर है, उसको ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको सिंपल से टाइप कर देना है काइन मास्टर। टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, जैसे सर्च करते हैं तो यहाँ पे काइन मास्टर का आप देख सकते हैं लोगो आ चुका है सेकंड नंबर पे, और इसी के ऊपर एक बार मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे ये क्या है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। पहले क्योंकि डाउनलोड होगा, उसके बाद इंस्टॉल होगा। तो ये 89 MB का होता है। जब तक ये डाउनलोड होता है, मैं कुछ इसके फीचर पे बात कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें हाई क्वालिटी के आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं, और यहाँ पे AI स्टाइल और विजुअल इफेक्ट मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। इनक्रेडिबल यहाँ पे ट्रांजिशन, बहुत सारे ऐसे ट्रांजिशन मिल जाते हैं जो कि आप दो वीडियो के क्लिप के बीच में यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव बहुत आसानी से किया जा सकता है, और यहाँ पे आपको प्रोफेशनल वीडियो एडिटर अर्थात यहाँ पे बहुत सारे लेयर मिल जाते हैं, जहां पे आप वन बाई वन लेयर पे कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो कैप्शन का भी आपको ऑप्शन मिलता है, जहां पे आपको कोई हैंड राइटिंग या मैनुअल रूप से कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी आप बोलेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आ जाएगा। और यहाँ पे टेक्स्ट एंड स्टिकर बहुत सारे मिल जाते हैं, जिनको आप यूज करके आप अपने वीडियो को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और रॉयल्टी फ्री यहाँ पे आपको म्यूजिक मिल जाती है, और बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे बैक आ जाते हैं, और आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है।
मैं यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ओपन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने इस टाइप से आएगा, जहां पे पूछेगा कि ओके, तो इन्फॉर्मेशन हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है और इस प्रकार से आएगा। अगर इसमें हम बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे ऊपर क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, नीचे होम का है, मिक्स का है, क्रिएट का, इनबॉक्स का, मी का। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट चाहे तो क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होम पे आपको क्या क्या मिलेंगे, यहाँ पे जैसे सर्च वीडियो टेम्पलेट आप कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मिलेंगे। अगर मिक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे, जो भी चीजें यहाँ पे आएंगी वो सब देख सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल से क्रिएट वाला ऑप्शन रखते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जब भी आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे 7 टाइप की चीजें दिखाई देंगी, जिसमें रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब ये होता है कि आप किस टाइप का वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर एक हॉरिजॉन्टल टाइप से, जो कि यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, इस टाइप का बनाना चाहते हैं तो आपको 16:9 सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप रील बनाते हैं तो आपको 9:16, और अगर इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं तो 1:1, और भी यहाँ पे कई टाइप है जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इंटर प्रोजेक्ट का नेम आप दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आप देना नाम दे देता हूँ, वीडियो एडिटिंग बेसिक टू एडवांस। यहाँ पे यही सिंपल से हम लिख देते हैं, आप जो भी चाहे इसका नाम दे सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग बेसिक टू एडवांस, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, बेसिक टू एडवांस। आप जो भी चाहे यहाँ पे नाम दे सकते हैं, बहुत आसान है। तो ये दे दिया। थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, एडवांस का ऑप्शन है, एडवांस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे डिफॉल्ट फोटो ड्यूरेशन, डिफॉल्ट फोटो ड्यूरेशन का मतलब है जब भी वहां पे हम फोटो ऐड करेंगे तो 4.5 सेकेंड की ऐड होगी। अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो ये फुल पे आएगी, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं। उसका डिफॉल्ट ट्रांजिशन, ट्रांजिशन भी डिफॉल्ट यहाँ पे है, आप यहाँ पे 1.5 सेकंड का है, आप चाहे इसको घटा बढ़ा सकते समय का। अब इसके बाद यहाँ पे आता फिल है, ऑटो, यहाँ पे एस्पेक्ट डिस्प्ले मोड है, फिट पे, फिल पे, तो मैं फिट पे ही रख लेता हूँ। क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये पूछेगा कि आप जो है परमिशन इसको देंगे कि आपके मोबाइल में जो भी फोटो वीडियो आपने रखा है वो यहाँ पे आ सके, तो हमें परमिशन तो देनी पड़ेगी। अगर परमिशन नहीं देंगे तो फिर वीडियो कैसे आएंगे, इसलिए अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे अलाउ पे क्लिक करते हैं ये क्या होता है, मोबाइल रोटेट हो जाएगा और इसका थोड़ा इंटरफेस अलग टाइप से आ जाता है। अभी हमने भी मोबाइल को रोटेट कर लिया, अब हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑल का ऑप्शन है, वीडियो का है, इमेज का है, यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके मोबाइल में वीडियो है वो आ जाएंगे। इमेज पे क्लिक करेंगे, जितने भी इमेज होंगी आपके वहां पे वो आ जाएंगी। इसके बाद अगर इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी समझने वाले हैं। और ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक है, द डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड है, और इस काइन मास्टर के लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं है, अभी प्रोजेक्ट मैंने नहीं बनाया, इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ से आप बैक आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जो यहाँ पे, 1 सेकेंड में फिर से आ जाता हूँ वहीं पे। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एक जो लोगो इनका मिलता है कट के पास में, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप वीडियो वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे, जो भी आप चाहे डिजाइन है, जैसे कि यहाँ पे होम पे रहेंगे इस प्रकार के मिल जाएंगे, न्यू जो भी आएंगे, एफएक्स करके हैं, ब्लर करके आते हैं, यहाँ पे एक्शन है, टेक्स्ट एंड टाइटल का ऑप्शन है, सिनेमेटिक्स का है, यहाँ पे एक्चुअली में बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। जैसे यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, कार्टून एंड फनी का ऑप्शन है, एनिमेशन है, टेक्स्ट है, टाइटल है, फिल्टर्स हैं, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको मिलती हैं, लेकिन इनको अभी हम नहीं यूज करने वाले हैं। जब हम यहाँ पे वीडियो लाते हैं कोई, वहीं पे अप्लाई करके आपको वन बाय वन चीजों को दिखाएंगे। तो अभी इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि पहले हमें वीडियो लाना है कि फोटो, तो जो भी हम वीडियो एडिट करना चाहते हैं उस वीडियो को लाएंगे, तो वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो इसमें से हम कोई एक वीडियो ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वीडियो ले लिया और इस वीडियो को यहाँ पे देखते आ चुका है, और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये आ चुका है और ये वीडियो है, इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, या यहाँ से बैक पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आ जाता है और यहाँ पे ये वीडियो मेरा आ चुका है इसमें। तो यहाँ पे ऊपर कट का जो है उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हट जाता है। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। तो देखो वीडियो एडिटिंग यहाँ पे सबसे पहला तो होता है कि वीडियो में आप चाहे तो वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं अगर उसमें कुछ अनवांटेड पार्ट आते हैं,
और अगर आप चाहें तो पहले वीडियो को कट कर सकते हैं इसके, या अनवांटेड पार्ट जो रिमूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे शुरुआत में यहाँ पे मैं पे अगर प्ले करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो जैसे मैं यहाँ पे प्ले पे क्लिक करता हूँ तो डोंट शो अगेन पे क्लिक कर देते हैं। प्ले पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे शुरुआत में यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इधर शांति से बैठा हुआ हूँ बैठा हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैं पेपर उठाता हूँ, इधर आते हैं कुछ समय बाद, फिर यहाँ पे इस प्रकार से अभी कुछ कर रहे हैं जो कि वीडियो में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बैठते हैं, फिर यहाँ पे हमने बोलना स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग का पार्ट है ये हमें हटाना पड़ेगा। अब ये स्टार्टिंग का पार्ट कैसे आप हटाएंगे, देखो इसके दो तरीके हैं, स्टार्टिंग का पार्ट हटाएंगे, लास्ट का और मिड का। तो स्टार्टिंग का पार्ट जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो इधर देखेंगे लास्ट या साइड में यहाँ पे बहुत सारे फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कैंची का है जहाँ पे स्प्लिट और ट्रिम का ऑप्शन लिखा है। तो यहाँ पे स्प्लिट या ट्रिम पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रिम टू लेफ्ट है, ट्रिम टू राइट है, स्प्लिट और स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। तो इसमें से सबसे अच्छा है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे क्या दो भाग में वीडियो हमारा हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, ये जो रेड कलर का प्ले हेड आपका है, ये जो रेड रेड कलर का यहाँ पे प्ले हेड दिखता है, ये जहां पे होगा वहीं पे सारे कार्य होंगे। जैसे कि ये प्ले हेड इस समय यहाँ पे है, तो इस प्ले हेड यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट करूंगा तो ये यहाँ से वीडियो स्प्लिट हो जाएगा दो भागों में। अभी भी मैं यहाँ पे अगर एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ तो अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे शुरुआत में कुछ पार्ट अनवांटेड बच गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस वीडियो को पहले यहाँ पे पहले वाले क्लिप को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करेंगे इसका देखेंगे आप कलर भी अलग हो जाता है, जैसे कि मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया था। तो पहला वाला पार्ट देखो सिलेक्ट करेंगे तो येलो कलर का, लास्ट का सिलेक्ट करेंगे येलो कलर का। तो पहले का पार्ट हटाना है, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इधर साइड में देखेंगे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, डिलीट का निशान, तो इस पर डिलीट पे क्लिक करेंगे, देखो डिलीट हो चुका है। अब मैं प्लेट को स्टार्टिंग में लाता हूँ, प्ले करता हूँ। अभी मैंने प्ले किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अनवांटेड पार्ट अभी भी बचा है। तो इस पार्ट को हटाने के लिए इस क्लिप को एक बार सिलेक्ट करना है, स्प्लिट पर जाना है, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, फिर फर्स्ट पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे हट चुका है, अब प्ले करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी से मैंने स्टार्टिंग के पार्ट को हटा दिया। तो एक तो ये होता है तरीका जो है इसको स्प्लिट करने का। अब अगर हम बात करें लास्ट में कैसे करते हैं, सेम यही, जहां पे प्लेट रखेंगे वहां पे ले जाना है और इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, इस यहाँ पे कैंची कट में जाना है, स्प्लिट पे क्लिक करना है, जो पार्ट डिलीट करना है उस पार्ट को सिलेक्ट करना है, डिलीट पे प्रेस करना है, जिससे क्या बहुत आसानी से डिलीट हो जाता है। तो ये तो स्टार्टिंग का पार्ट डिलीट हो गया। अगर आप बीच से कोई पार्ट रिमूव करना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका होता है, बीच में प्लेहेड को लाना है, स्प्लिट पे जाना है, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, फिर स्प्लिट पे करेंगे। तो देखो ये बीच का पार्ट यहाँ से हट मतलब हो चुका है, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे तो देखो बीच का पार्ट गायब हो गया। तो इस प्रकार से मैंने वीडियो के आपको स्टार्टिंग के पार्ट लास्ट के और मिड के पार्ट को कट करना सिखा दिया। इस प्रकार से आपको जहां पर भी पार्ट को हटाना है वहां पे ले जाना है प्लेहेड को, बस यहाँ पे स्प्लिट के ऊपर क्लिक करके बहुत आसानी से हटा देना। तो मैं लास्ट के पूरे पार्ट को हटा देता हूँ। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कैसे पार्ट को हटाया जाता है। अब यहाँ पे बात करने वाले कि वीडियो को कैसे क्रॉप किया जाता है। तो क्रॉप बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन वो कैसे किया जाता है उसको हम थोड़ा समझते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अब हम यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करते हैं। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काइन मास्टर का जो लोगो दिख रहा होगा, अगर आप कोई फोटो वीडियो काइन मास्टर की यूज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे या यहाँ से कट करेंगे तो उसके पास में एक बार मीडिया पे क्लिक करेंगे, जो इनका लोगो है काइन मास्टर का उस पर क्लिक करेंगे, ये एक्चुअली स्टॉपेज होता है। तो यहाँ पे हम आते हैं और होम पे क्लिक कर देते हैं या न्यू पे एफएक्स पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगे, मैं न्यू पे रखता हूँ। यहाँ पे आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हैं, मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया है। तो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और ध्यान रखना कि आपको अपना मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट करके रखना होगा, क्योंकि ये जितनी भी चीजें आप लेंगे ऑनलाइन यहाँ पे तो वो क्या करना होगा, आपको डाउनलोड करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये कोई इफेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं एक। तो यहाँ पे जब भी आप इफेक्ट सिलेक्ट करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 18 MB के था
और ये लगभग कंप्लीट हो चुका है डाउनलोड। अब इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस पर राइट पे क्लिक करेंगे तो ये वहां चला जाएगा। मैं बैक पे आ जाता हूँ एक बार। इस प्रकार से यहाँ से आप कोई भी जो है वीडियो फोटो ले सकते हैं। यहाँ पे वैसे तो बहुत ज्यादा प्रीमियम के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि आपको खरीदने पड़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खरीदना नहीं चाहता हूँ तो इसलिए मैं सिंपल से इसमें से कोई ऐसे रख लेता हूँ। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं वन बाय वन कौन सी फोटो अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया है और यहाँ पे इसको लाना है यहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल से कुछ ऐड करना तो भी बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखो इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया। अभी इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे इसको कट करके तो ये देखो यहाँ पे लट्स इस प्रकार से लग गया। अब यहाँ पे ये मैं अगर प्ले करके आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे तो यहाँ पे देखो ये इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक वीडियो लगाने वाले हैं और उस वीडियो को क्रॉप करके आपको दिखाएंगे और उसके पार्ट को बैकग्राउंड को भी चेंज करके दिखाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब भी लेयर पे कार्य करना है तो आपको ये चीज ध्यान से समझना होगा कि जो लेयर सबसे नीचे होगी वो सबसे नीचे रहेगी, उसके बाद जो भी ऐड करेंगे वो ऊपर आएगी। तो अब हम यहाँ पे लेयर पे कार्य करने वाले हैं तो यहाँ पे लेयर पे क्योंकि हम जो वीडियो ऐड करेंगे उसको क्रॉप करेंगे तो क्रॉप करने का तरीका क्या है, इसके ऊपर ऐड करना होगा। तो लेयर पे हम आते हैं और मीडिया पे क्लिक करते हैं और अपने ही वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लेयर में आ चुका है। अब हम यहाँ पे पुनः एक बार इस पे क्लिक करते हैं यहाँ से और यहाँ से इसको हटा देते हैं तो ये देख सकते हैं इसके ऊपर लेयर पे ऐड हो गया। ये मैंने लेयर पे ऐड किया, ये इसके ऊपर आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इसको क्रॉप किया जाएगा। तो क्रॉप करने का तरीका क्या है, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से इस भी क्लिप को और यहाँ पे आएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे क्रॉपिंग का आपको ध्यान रखना है, इधर साइड में बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जाना है आपको, क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। क्रॉप पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टम रूप से इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इतना क्रॉप यहाँ से कर दिया है और आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो मास्क का भी ऑप्शन मिलता है तो मास्क को आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, जिस टाइप का मास्क ले लें। तो इसको मैंने इस मास्क को ऑन कर दिया और क्रॉप हो चुका है। मैं बैक पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉप हो चुका। अब ये क्रॉप हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अगर प्ले करके आपको एक बार दिखाता हूँ वीडियो तो ये देखो यहाँ पे देखो मैंने इधर उधर के अनवांटेड पार्ट को बहुत आसानी से रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके कैसे जो इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाए तो इसलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते रहेंगे, नीचे आते रहेंगे तो कलर पिन है, एडजस्टमेंट अल्फा, ब्लेंडिंग एआई स्टाइल का ऑप्शन है, क्रोमा की का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन हम आपको समझने वाले हैं कि कैसे आप जो यहाँ पे इसके बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो एआई का जो ऑप्शन है, एआई स्टाइल है क्रोमा की और मैजिक रिमूवर। अगर मैं मैजिक रिमूवर को यहाँ पे ऑन करता हूँ, देखो क्रोमा की का उस समय यूज होगा जब आपका वीडियो ग्रीन स्क्रीन के साथ में होगा, लेकिन अगर आपने वीडियो को जो है ग्रीन स्क्रीन के साथ में रिकॉर्ड नहीं किया किसी दूसरे स्क्रीन के साथ में तो आपको यहाँ पे मैजिक रिमूवर का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने मैजिक रिमूवर को यहाँ पे ऑन किया है और ये यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा मोबाइल तो ये बहुत ही जल्द कार्य हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैजिक रिमूवर मेरा वर्क करना स्टार्ट कर चुका है और ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है। अभी देखेंगे इसका क्या है, बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, कैसा चेंज होकर दिखाई देता है उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। थोड़ा सा ये टाइम ले लेता है, अगर आपका इंटरनेट बहुत ही फास्ट चल रहा होगा तो ये बहुत ही जल्द क्या करता है, रिमूव कर देता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड इसका चेंज हो चुका है मैजिक रिमूवर से और बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड यहाँ पे हट चुका है। अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे बैक पे यहाँ पे आते हैं, इसको हटाते हैं, अब प्ले करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, जो कि मैंने यहाँ पे एक यूज भी किया था बैकग्राउंड में, लेकिन अब वो कोई बैकग्राउंड यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो ये इस तरीके से आप बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक और बैकग्राउंड हटाने का तरीका कि उससे कैसे बैकग्राउंड को हटाया जाता है, उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं जो कि है ग्रीन स्क्रीन के साथ में वीडियो। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसको छोटा करके इधर रख देते हैं और अब हम यहाँ पे पुनः आते हैं लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। लेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे फाइल्स में जाएंगे,
और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन के साथ में मैंने कोई एक वीडियो ले लिया है, और ये वीडियो मैं स्टार्टिंग पे लाना चाहता हूँ, इसलिए इसको यहाँ पे प्रेस करना है, इस प्रकार से स्लाइड करना। आपको यहाँ पे आना चाहिए कि टाइमलाइन में जब भी वीडियो को आगे पीछे लेने जाना है उसके ऊपर फिंगर को प्रेस करना है, और जब ये ग्रीन स्क्रीन हट जाए, देखो ग्रीन स्क्रीन अभी सिलेक्ट है तब है, लेकिन जब इस पर फिंगर रखेंगे तो ऑटोमेटिक से ग्रीन वो रेड जो है यहाँ पे येलो कलर हट जाएगा। जब हट जाएगा तो आपको फिंगर प्रेस ही रखना, इधर उधर ले जाके हटा सकते हैं बहुत आसानी से। तो अभी ये स्टार्टिंग से आ चुका है, कट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे छोटा कर लेते हैं। और अभी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसका भी हटाना चाहते हैं बैकग्राउंड, तो यहाँ पे आते हैं, इधर देखते हैं, साइड में थोड़ा सा आएंगे नीचे, क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखो एडजस्टमेंट है, एआई स्टेल है, मैजिक क्रोमा की, तो क्रोमा की के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ऑन कर देंगे। जैसे आप ऑन करेंगे देखो तुरंत ही इसका क्या है, बैकग्राउंड यहाँ पे हट गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से आप अगर ग्रीन स्क्रीन के साथ में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो भी आप यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर आप तो किसी दूसरे बैकग्राउंड या किसी दूसरे के साथ में ऐड करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं तो भी हटा सकते हैं। ये फिल्मोरा, आई एम सॉरी, काइन मास्टर के अंदर फीचर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, देखो दोनों के बैकग्राउंड बहुत आसानी से रिमूव हो गए। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि बैकग्राउंड को हमने हटाना सीख लिया, वीडियो को क्रॉप करना सीख लिया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वीडियो एडिटिंग के। अब यहाँ पे कुछ थोड़ी सी और भी चीजें हैं, जैसे कि वीडियो में कैसे बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड की जाए। तो बैकग्राउंड में म्यूजिक जब भी आपको ऐड करना हो यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आप चाहें तो ऑडियो पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, तो इसमें से आप कोई एक म्यूजिक सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक वहां पे क्या है ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले तो ये म्यूजिक डाउनलोड होती है फिर यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो नीचे म्यूजिक ऐड हो गई, और आपको ध्यान रखना है जब ये टाइमलाइन में जो भी चीजें ऐड होंगी वो आपको हमेशा दिखती भी रहेंगी, जैसे यहाँ पे म्यूजिक का निशान बन गया है, वीडियो का और फोटो का। तो इस प्रकार से प्ले करेंगे तो यहाँ पे म्यूजिक देखो चलते हुए दिखाई दे रही है, ये तो म्यूजिक लगाने का तरीका हो गया। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने वीडियो की आइडियो को हटा सकते हैं, तो वहां पे तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस वीडियो को पहले सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एआई स्टाइल, क्रोमा, वॉल्यूम, इनवेलप है, नॉइज नॉइज रिमूवर है, और यहाँ पे आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। ऑडियो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिलेगा, ऑडियो एक्सट्रैक्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे इसका ऑडियो हटके देखो नीचे आ चुका है। तो इस प्रकार से आप इस ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करके डिलीट कर देंगे, जिससे क्या है ये ऑडियो हट जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे इन वीडियो को ही डिलीट कर देते हैं, तो इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, एक वीडियो रख लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ तक समझ लिया, अब हम इस बैकग्राउंड को भी हटा देते हैं। आपको हम पुनः एक बार दिखाते हैं, अपने इस वीडियो को यहाँ पे लाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड के लिए एक हमने वीडियो यहाँ पे ऐड कर लिया है जो कि यहाँ पे आ चुका है, और इसको हटा देते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के लिए मैंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे वीडियो एक ऐड किया है, ये वीडियो। अब यहाँ पे प्ले करके अगर हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करें, तो या आप इसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं पूरा वीडियो, में आपको पुनः लेयर पे जाके और मीडिया पे जाके मैं यहाँ पे एक वीडियो पुनः सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जाते हैं मीडिया पे, जाते हैं यहाँ पे और एक वीडियो को ऐड कर देते हैं, इसको स्टार्टिंग में कर लेते हैं। और अब यहाँ पे इस वीडियो का बैकग्राउंड हटाना है, इसको सिलेक्ट करना है, और ये ग्रीन स्क्रीन के साथ में है तो यहाँ पे क्रोमा की इफेक्ट हम यूज कर लेते हैं। तो क्रोमा की क्या यूज करेंगे, ऑन करेंगे, ये देखो बैकग्राउंड हट गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा वीडियो यहाँ पे आ चुका है, और इसके स्टार्टिंग के पार्ट को अगर आप कट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आना है यहाँ से, और इस पार्ट को यहाँ पे हम रखते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, क्रोमा की को ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे स्प्लिट पे जाते हैं, स्प्लिट कर देते हैं इसको, यहाँ से क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। जैसे डिलीट होता है इसको हम स्टार्टिंग में कर लेते हैं यहाँ से, तो ये स्टार्टिंग में हमारा वीडियो आ चुका है, एक सेकेंड, यहाँ से ये देखो, तो ये प्ले हेड था। अब यहाँ पे प्ले करेंगे तो आप देखेंगे ये मेरा वीडियो स्टार्टिंग में आ चुका, बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड के साथ में। आप इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी कार्य कर सकते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे और सॉरी यहाँ पे आएंगे अपना क्रोमा की में, जो कि यहाँ पे मेरा वीडियो में थोड़ा सा ग्रीन कलर दिख रहा, तो यहाँ पे आते हैं और क्रोमा की का ऑप्शन आपको मिल जाएगा नीचे, यहाँ पे आएंगे क्रोमा की पे क्लिक करेंगे, सॉरी इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से एक बार, और यहाँ पे आएंगे क्रोमा की का ऑप्शन ये है, एक सेकेंड,
क्रोमा की को सिलेक्ट करेंगे। यहां से आप चाहें तो इनके कलर को थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं। देखो ये कम करते जाएंगे ग्रीन कलर बिल्कुल हट जाएगा। यहां से देखो आप, देखो ग्रीन कलर क्या है, लगभग पीछे का बिल्कुल हट चुका है। और यहां से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। सो मास्क का है, कर्व डिटेल से, कर्व से इसकी चीजों को चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप जैसा चाहे वैसे एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसको हम अभी हटा देते हैं यहाँ से, और इसको भी हटा देते हैं। तो अभी हम प्ले करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वीडियो इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा, जिसमें क्या है, मैंने बहुत अच्छे से इसका क्रोमा की यूज करके बैकग्राउंड को हटा दिया है। अब हम यहाँ पे कुछ और चीजों को समझते हैं, कैसे बैकग्राउंड में म्यूजिक को ऐड करना है। तो भी मैंने समझ लिया था, तो हमने आप समझ लिया क्रॉप कैसे करना है कैसे। अब यहाँ पे कुछ चीजें होती है, जैसे इमेज आपको लगाना है कोई दूसरी, तो आपको बहुत आसान है, बस इस लेयर पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे चले जाना है, जो भी आपको फोटो वीडियो लगाना है यहाँ पे आएंगे। जैसे मैं इमेज पे रखता हूँ तो जितनी भी इमेज है वो आ जाएंगी। मैं अपनी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे इमेज ऐड हो चुकी है। इसको हटा देंगे तो यहाँ पे देखो इमेज मैंने ऐड किया। इस प्रकार से आप कुछ भी लगा सकते हैं, इमेज, फोटो, वीडियो, एलिमेंट। एलिमेंट जैसे लगाने हैं, देखो यहाँ पे हम बैक पे आते हैं, लेयर पे जाते हैं, इफेक्ट, स्टिकर, स्टिकर का ऑप्शन है, स्टिकर पे जाएंगे आप। स्टिकर यहाँ से बहुत सारे स्टिकर आपको मिल जाएंगे, आप जो भी चाहे स्टिकर एक ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं कि स्टिकर को यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये देखो स्टिकर आ चुका। तो इस प्रकार से आप स्टिकर को भी लगा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कुछ यहाँ पे टाइटल वगैरह लिखना, तो बहुत आसान है, आपको यहाँ पे जाना होता है और पहले लेयर पे जाएंगे, लेयर में जाएंगे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ओके पे क्लिक कर देते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे जेजे टाइप कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट आ गया, इसको हम बड़ा कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट के साथ में खेलना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे आप उसको नेम चेंज कर सकते हैं, जो भी है ओके कर देंगे। अगर टेक्स्ट में कोई कलर वगैरह, आउटलुक, एनिमेशन देना चाहते हैं तो इस पे जाएंगे, फेड अप कर देंगे, फेड पॉप अप कर देंगे, फेडिक कर देंगे। तो ये सब एनिमेशन के कार्य हैं। एनिमेशन कब कनेक्ट किया जाता है, जैसे आप मान लिया इस इमोजी को सिलेक्ट करते हैं, अब इसे में आप क्या कर सकते हैं, देखो एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, आउट एनिमेशन, स्प्लिट, कॉर्नर पिन, ट्रांसफॉर्म, ब्लेंडिंग पिन कर सकते हैं। जैसे कि इस फोटो को हम सिलेक्ट करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक जितने फंक्शन होते हैं सब अपने आप ओपन हो जाते हैं। तो हमने यहां तक समझ लिया बहुत सारे फीचर को आज के वीडियो में। अगले वीडियो मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे और चीजों को समझा जाता है। तो अभी हम बात करने वाले कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट का बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, सेव एज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर इसका वाटरमार्क हटाना है तो इसके लिए आपको बाई करना पड़ेगा, तो मैं बाई नहीं करता हूँ। और यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप काइनमास्टर से एडवांस लेवल की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।